बहुत कोशिश की वेट लॉस करने की, बहुत कम खाना खाया, सिर्फ सूप और सैलड्स के ऊपर ही रही, उसके बावजूद भी वेट कम ही नहीं हुआ। इनफैक्ट कीटो डाइट भी किया और मानो ना मानो बहुत सारे दिन तो खाना ही नहीं खाया, फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है ना कि वेट लॉस के सारे टिप्स रेमेडीज फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, परफेक्ट वीडियो पे आए हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कौन कौन सी वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, एंड परफेक्टली कब कौन सा खाना कितनी बार दिन में खाना चाहिए, सारा डाइट प्लान अपना भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप भी मेरी तरह वेट लॉस करना चाहते हैं फटाफट से, आपको जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ 35 kg वेट लॉस किया है मैंने, एंड डिलीवरी के बाद धीरे 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 कुछ स्टेप्स मैंने फॉलो किए, मैंने मेरी डाइटिशियन को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी रेकमेंड किए जिसको फॉलो करने से मैं बहुत अच्छे से अपना वेट बैलेंस कर पाई, मतलब कम हुआ एंड सस्टेनेबल रहा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि 10 दिन में 10 किलो वेट तो कम कर लेते हैं, फिर बहुत ही जल्दी उनका वेट बाउंस बैक हो जाता है। सिंपल सी बात, वेट लॉस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी। एक बार वेट लॉस कर लिया उसके बाद आप जो मर्जी वो खाने लग जाओ ऐसा नहीं होता है, आपको लाइफ टाइम एक अच्छा लाइफ स्टाइल चूज करना होता है। जो मेरी ईटिंग हैबिट थी ना वो बहुत बुरी थी, कभी भी उठ करके खाना खा लेती थी, मतलब रात के 12, 2, 3, 4 बजे भी मुझे क्रेविंग होती थी तो मैं उठ करके खा लेती थी, और मैं ये नहीं देखती थी कि मैं मीठा खा रही हूँ या फिर प्रोसेस्ड फूड खा रही हूँ, मैं बस खा लेती थी। सो उसके बाद जब बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया, मैंने मेरी डाइटिशियन को कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया प्रॉपर डाइट प्लान जिसको फॉलो करने से वेट लॉस काफी जल्दी हो जाता है। आप चिंता मत करो, आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो मुझे बताया वो सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन करूंगी। इवेंचुअली आई चेंज्ड माय ईटिंग हैबिट्स, अब रात को कभी भी भूख लगे तो मैं खाती नहीं हूँ, पानी पी के सो जाती हूँ। कंट्रोल किया, आपको खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है। देखो वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आपको भूखे रहना है, अपने आपको भूखा रखना है एंड कीटो डाइट पे चले जाना है या सारा दिन सैलेड या सूप से खाना है, ऐसा नहीं करना है। डोंट स्किप योर मील्स, और इस बात का ध्यान रखना जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रोटीन खाओ, क्योंकि जब आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लग जाता है, जिससे कि वेट लॉस में आपको काफी हेल्प मिलती है। मैं आपके साथ एक काढ़ा शेयर करूंगी जिससे वेट लॉस बहुत ही जल्दी होता है, प्लस कब कितने मुझे क्या क्या खाना चाहिए वो भी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, आप अपना डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो, अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना चाहते हो, तो ऐसे में आप हेल्थ सप्लीमेंट से भी आप वेट लॉस कर सकते हो। मैं कई बार मैंने बहुत सारे व्यूअर्स को रेकमेंड किया है और उनसे उनको बहुत फायदा मिला है, आप भी ट्राई कर सकते हैं जल्दी वेट लॉस करने के लिए। ऐसे नेचुरल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन जो आयुर्वेदिक है, नेचुरल हर्ब्स है, वेट लॉस बहुत तेज करता है, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत फास्ट हो जाएगा एंड बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सो वेट लॉस के लिए आप यूज कर सकते हो फाइटिका का लेट इट मेल्ट, बहुत सारे डाइटिशियन इसको रेकमेंड करते हैं, उनके रेकमेंडेशन पे ही मैं आपको बता रही हूँ, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको ये लेना है गर्म पानी के साथ, एक टैबलेट ले लेना एंड दैट्स इट। इसके अंदर कोई भी कॉर्न, ग्लूटेन, सोया, डेयरी, क्रुएल्टी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला है, हेल्प करता है आपके फैट को बर्न करने में, बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म को और रेगुलेट करता है एपेटाइट को, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है एंड शुगर लेवल्स को भी। मैं इसलिए भी ये आपको रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर या कलर नहीं है, जैसे मार्केट में मिलने वाले बाकी सप्लीमेंट्स में होता है एडेड प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, शुगर और पता नहीं क्या क्या, जिससे वेट लॉस तो नहीं होता है बट अलग जाता है। सो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, 2 महीने के लिए आप ट्राई करोगे ना आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। सिर्फ आपको एक टैबलेट लेनी है खाना खाने से पहले, आधा घंटा पहले ले लेना एंड दैट्स इट। जितनी भी लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वीमेन है वो अपने डाइटिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करें इसको लेने से पहले। जब आप ये सप्लीमेंट ट्राई करोगे ना तो इसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट रखी हुई है, ये जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, त्रिफला एक्सट्रैक्ट, काली जीरी एंड पाइपरीन, ये सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन मिलकर के वेट लॉस पे बहुत तेजी से मदद करता है आपकी एंड इफेक्टिव तरीके से। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने इसको ट्राई किया एंड पॉजिटिव कमेंट उन्होंने मुझे दिया है इसको यूज करने के बाद। सो आई होप अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हो तो ये आपकी मदद करेगा। प्रिंस ने खुद इसको ट्राई किया एंड आप देख सकते हो उनका वेट लॉस पहले कितना ज्यादा था, मेरे साथ उनका भी बढ़ गया था एंड बहुत तेजी से उनका भी वेट लॉस हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस सप्लीमेंट। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सा डाइट आपको कब कब खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई डाइटिशियन डाइट प्लान, एक दिन में 5 से 6 बार आपको खाना है। आप सुनोगे तो बोलोगे कि ये कैसा वेट लॉस है जिसमें इतना सारा खाना खाना पड़ रहा है, ये है ही ऐसा, ये ट्रिक है एक। देखो अगर बहुत लंबे समय के लिए भूखे रहोगे ना तो जब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे और खा जाओगे बहुत सारा एंड इससे आपका वेट लॉस घटने की बजाय तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो फॉर्मूला उन्होंने मेरे साथ शेयर किया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो सुबह 7 बजे उठ करके मैं चाय पीना पसंद करती थी, अब मुझे अलग तरीके की चाय मिलती है,
है, सुबह 7 बजे आपको ये वाली चाय पीनी है। सो इस चाय में जो जो इंग्रेडिएंट डलेगा वो सारा इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ। सो ये आप पैन में डालिए, एक ग्लास पानी, ये सारा इंग्रेडिएंट डालिए एंड देन उसको बॉइल कीजिए एंड छान करके पी लीजिए। जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस इसके अंदर दूध नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, अलग इंग्रेडिएंट है, बट आदत हो जाती है। पहली बार थोड़ा गंदा लगता है, दूसरी बार थोड़ा अजीब लगता है, तीसरी बार बॉडी को आदत हो जाती है। ये आपका फैट कटर ड्रिंक है, सिर्फ चाय नहीं है, इसको काढ़ा भी बोल सकते हो वेट लॉस करने का। तो ये आप लेना स्टार्ट करना, मैं खुद लेती हूँ इसको एंड इससे काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। चाय पीने के आधे एक घंटे बाद लगभग 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको वेजिटेबल पोहा की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन कर दी है, इस तरीके से आप घर में वेजिटेबल पोहा बनाओगे। हो सके तो इसके अंदर मूंगफली भी डालिए एंड ऊपर से नींबू भी डाल देना, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और फिलिंग लगता है। सो ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर लिया कीजिए। मैं एक दिन का डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पूरे 7 दिन के लिए अलग से डाइट प्लान दिया था। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बाकी 7 दिन का भी डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल एक दिन की ही बात करते हैं, शुरुआत तो करो आप चाहो तो अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल पोहा की जगह पनीर का पराठा ले सकते हो, या फिर कुछ और आपको जो पसंद है, उपमा ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, व्हाटएवर यू वांट वो आप चेंज कर लेना। लेकिन हाँ, मेक श्योर कोई भी ऐसी चीज मत लेना जैसे जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट हो। अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, देन लंच हम 1-2 बजे करते हैं और इस बीच इतनी भूख लगती है ना, फिर जो भी दिख जाता है खा लेते हैं। नहीं, आप एक दिन पहले से प्लान करके रखोगे कि आपको किस टाइम क्या खाना चाहिए और आप प्रिपेयर रहोगे। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आपको छोटी सी भूख जरूर लगेगी, मुझे भी लगती है। तो 10 बजे मैं लेती हूँ मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हल्की फुल्की चीजें आप ले सकते हो, जैसे कि आप सोक्ड आमंड्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर मेरा फेवरेट फ्रूट्स एंड कर्ड, दही के अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर दो और वो खाओ। बहुत हेल्दी, न्यूट्रिशियस, फिलिंग आपकी छोटी भूख को खत्म करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, दही के अंदर जो मर्जी फ्रूट्स आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। चीनी मत डालना, उसकी जगह आप बनाना डाल सकते हो, ये नेचुरल स्वीटनर है सो आप ले सकते हो। ज्यादा क्वांटिटी में कुछ नहीं लेना, हर चीज मॉडरेट अमाउंट में लेनी है। और अगर ये फ्रूट योगर्ट वाली रेसिपी आप ट्राई करो तो मुझे कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, दिस इज माई फेवरेट। मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के 2 घंटे मैं 12 बजे लंच कर लेती हूँ। डेली आप सेम टाइम पे ही खाना खाने की कोशिश करना। सो 12 बजे लंच के अंदर आपको क्या लेना है, पूरा बैलेंस डाइट लंच आपको प्रॉपर अच्छे से लेना है। आपकी जो लंच की प्लेट होगी ना, उसके अंदर 1/2 प्लेट में वेजिटेबल्स होने चाहिए, 1/4 प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि आप दालें ले लो, दही ले लो, राजमा ले लो, छोले ले लो, जो भी प्रोटीन युक्त चीज है वो आपको लेना चाहिए। एंड 1/4 प्लेट में आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहेगी। कार्बोहाइड्रेट में आप राइस या फिर चपाती ले सकते हो एंड सैलेड जरूर लेना। सैलेड में जैसे कि प्याज है, क्यूकम्बर है, बीटरूट या गाजर अच्छे से स्लाइसेस कर लेना, ऊपर से नींबू निचोड़ लेना, बहुत यम लगता है। जब आप चपाती लेते हो तो कोशिश करना मल्टी ग्रेन चपाती लो, वो ज्यादा हेल्दी होती है आपकी बॉडी के लिए। पूरा भर पेट नहीं खाना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ जितना पेट आपका है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेट है तो यहाँ तक नहीं खाना है, यहाँ तक ही खाना है, थोड़ा जगह छोड़ो ना खाना ही को बनने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए, पूरा फुल करके नहीं खाना। देखो आइडियली आपको पूरे दिन भर एक्टिव रहना है, आपके लिए अगर पॉसिबल है तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद आपको वॉक पे जाना है। आप लगातार 1 घंटा वॉक करो या आधा घंटा वॉक करो, या फिर लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए भी वॉक करोगे सेम स्पीड में, सो आपको बेनिफिट इक्वली ही मिलने वाले हैं। जी हाँ, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ लंच के बाद आधा घंटा जरूर वॉक करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, बहुत जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वॉक से थक करके घर आओ ना तो ठंडा पानी फ्रिज का उठा के मत पीना, बटर मिल्क, छाछ पीना। छाछ बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड स्लोली ग्रेजुअली वेट लॉस भी होता है इससे। शाम के 4 बजे टी टाइम की बारी आती है, तो टी टाइम में आप चाहो तो रोस्टेड मखाने ले सकते हो। सिंपली मखानों को लेना है एंड घी में उसको रोस्ट कर दीजिए, थोड़े से आप भुने हुए क्यूमिन को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट हल्का सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड देन हैव इट, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन है। अगर आपका मन करता है चाय पीने का तो ऑफकोर्स आप
शाम को चाय पी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए। 4 बजे आपने स्नैक्स लिया, उसके बाद रात को 7 बजे कोशिश करो, थोड़ा डिफिकल्ट है पर ट्राई करो 7 बजे डिनर लेने के लिए। डिनर में आप क्या खाएंगे? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दलिया खा सकते हो या फिर मेरा फेवरेट वेजिटेबल ओट्स, आई लव इट वेजिटेबल ओट्स। आप ये वाले इंग्रेडिएंट डालो जितने भी वेजिटेबल्स हैं एंड थोड़े थोड़े मसाले, कम तेल एंड चटपटा बनाने के लिए उसके ऊपर लेमन डाल दो, बहुत यम्मी बहुत हेल्दी लगता है। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल ओट्स बनाए खाएं एंड वेट लॉस करें। 7 बजे आपने जो खाना खा लिया ना, दैट्स इट, अब आपको कुछ नहीं खाना है। अब आपको जब भूख लगे पानी पियो और सो जाओ। शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है। ये करने के बाद आई एम 110% श्योर आपका वेट लॉस जरूर होगा। एक्चुअली फॉलो करना इन सब चीजों को एंड विद इन अ वीक यू विल फॉर श्योर सी डिफरेंस। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो कि पूरे 7 दिन का डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूं जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे शेयर किया है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन टिल देन, बाय गाइस।